गुड मॉर्निंग। चलो बनाते हैं एक और लंच बॉक्स आन्या के लिए। मैं जब भी आन्या के लिए लंच बॉक्स बनाती हूँ तो वो खोल के देखती है कि आज लंच बॉक्स में क्या जाने वाला है। तो सुबह टाइम इतना ज़्यादा जल्दी होती है काम करने की कि लंच भी बनाना पड़ता है और खाना भी बनाना पड़ता है। तो मैंने एक साथ ही कुकर में तीनों चीज़ें रख दी, दाल चावल और छोले। आज आन्या के लंच बॉक्स में जाने वाले हैं छोले की सब्जी। उसको बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और इसमें ना ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं करूँगी मैं, क्योंकि ये लंच बॉक्स में जाने वाली है ना, इसीलिए। एक पैन में डाल दिया है, 2 चम्मच तेल और प्याज डाल देंगे। जब प्याज अच्छे से भुन जाएगी, कलर इसका हो जाएगा चेंज, तो उसके बाद फिर ये और मसाले हम डालेंगे। तो ये देखो कुकर में एक साथ ही मैंने कितनी सारी चीज़ों को एक साथ ही बना लिया है। दाल बन गई, चावल बन गई और छोले भी बन गए हैं। इससे क्या होता है, समय तो बचता है, गैस की भी बचत हो जाती है मेरी। और जब भी मैं छोले को उबालती हूँ ना, तो इसमें खड़े मसाले डाल देती हूँ, जैसे कि दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है। सारी चीज़ों को एक साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसके बाद प्याज भुन गई है, इसमें कुछ खड़े मसाले और डाल देंगे। बेसिक से मसाले जो हम डेली में यूज़ करते हैं, धना मिर्ची, जीरा, राई, सौंफ और थोड़ी सी तिल। और इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। और जब ये अच्छे से भून जाएंगे तो इसमें मिला देंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन मिलाते हैं ना तो उससे स्वाद अधिक बढ़ जाता है, सब्जी का बहुत अच्छी लगती है। मैं तो जब भी कोई भी सब्जी बनानी होती है ना, तो उसमें 1 चम्मच बेसन ज़रूर मिला देती हूँ। उसके बाद 2 टमाटर पीस लिए थे मैंने, तो वो भी मिला देंगे स्वाद अनुसार नमक, और बाद में मिला देंगे छोले। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें कुक करना है, अच्छे से पकाना है। आलू भी एक मैंने उबाल लिया था, साथ में ही रख दिया था जब छोले उबाले थे ना, तभी। छोले अच्छे से पक गए हैं, अच्छे से बन गए हैं। इसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी मिला देंगे। तो ये देखो कितने बढ़िया से छोले बन के तैयार हो गए हैं। सुबह ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ बना दें जो झटपट से बन के तैयार हो जाए और ज़्यादा समय भी ना लगे। तो आज की मेरी छोले की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आने का जो स्कूल है ना, वहाँ पे ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह या तला वला खाना अलाउ नहीं होता है, और सभी लोग मिलके घेरा बना के खाते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा कहती, मम्मी सब्जी रखो, रोटी रखो, सब बच्चे लेके आते, तो मुझे भी अच्छा लगता है खाने में। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों के लंच बॉक्स में सब्जी, रोटी, पराठा रखूँ, तला वना अवॉइड ही करूँ रोज़ रोज़। तो तला वना बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ना। इसी आटा भी मैंने पहले से उसन लिया था। और एक लोई लेंगे, इसको बेल लेंगे। इसमें डालेंगे, पहले तो मैंने इसमें पूरे में घी लगा दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, अजवाइन और धनिया पत्ती। सारी चीज़ों को डाल के और इस तरह से कट लगाएंगे। तो आज बनने वाला है लच्छा पराठा। वो सिर्फ़ एक ही पराठा खाती है, तो मैं एक ही उसके लिए बना के रखूँगी। तो इस तरह से अगर पराठे बनाते हैं ना थोड़ा सा कटिंग करके, तो एक एक लेयर खुल जाती है, खाने में बड़ा मज़ा आता है। एक एक लेयर खुल जाएगी, आप देख लेना। तो इस तरीके से मैंने सारे रोल बना लिए इसके, और एक के ऊपर एक रख देंगे और एक लोई बना लेंगे। तो इस तरह के लच्छा पराठा बहुत प्रकार से बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से सब लोग बनाते हैं। जिसको जैसे अच्छा लगता है उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक लोई ले ली, उसके ऊपर दूसरी रखी और इसके ऊपर तीसरी और चौथी, इस तरीके से लोई को हम रख देंगे। अच्छे से हाथों से इसको हम सेट कर लेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करना। ऊपर से थोड़ी सी सफ़ेद तिल और लाल मिर्च, जो ये लाल मिर्च यूज हो रही है ना, ये कलर वाली है, इसमें कोई तीखापन नहीं है। थोड़ी सी धनिया पत्ती और इसको बेल लेना है। ये जो लच्छा पराठा बनते हैं ना, इतने बढ़िया लगते हैं कि ये सब्जी के साथ, क्या आप अचार चटनी के साथ भी खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा खा के। इतने बढ़िया लगते हैं, बिल्कुल परतदार बनते हैं, एक एक लेयर इसकी खुलती है। तो बस तवा भी पहले से गर्म हो गया था, उलट पलट करके इसको अच्छे से हमें सेक लेना है। तो जो भी आपके बच्चों को पसंद है, घी पसंद है तो घी यूज कर लीजिए, तेल पसंद है तो तेल यूज कर लीजिए, बटर पसंद है तो बटर भी आप यूज कर सकते हैं। मैं तो हमेशा बच्चों को यही सोचती हूँ कि घी की चीज़ें ही दो, तो मैं हमेशा परांठे पूड़ी घी में ही बनाती हूँ, उनको अच्छे लगते हैं। और बस उलट पलट करके इसको अच्छे से सेक लेना है। तो ये देखो क्या बढ़िया सा एकदम लेयर वाला लच्छा पराठा बन के भी हो गया है तैयार। तो दोनों चीज़ें बन गई हैं। चलो अब लगाते हैं लंच बॉक्स। तो ये देखो बढ़िया सा, कितना बढ़िया लग रहा है, ये बिल्कुल कुरकुरा बना है। और मैं इसकी लेयर खोल के आपको बता रही हूँ, ये देखो एक एक लेयर क्या बढ़िया खुली हुई है। इस तरीके से कटिंग करके आप बनाएंगे ना पराठे को, तो आपका पराठा भी ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल सिंपल सोबर सा आटा उसना था, कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ नमक डाल के इसको मैंने उसन लिया था। कोई तेल का मोन नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, बस जैसा डेली में उसनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही।
और कितना बढ़िया सा ये लग रहा है। साथ में रख दिए छोले की सब्जी जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल सिंपल सी बनाई थी आज मैंने, और ये ककड़ी की सैलेड है, ऊपर से मैंने छोले की सब्जी के ऊपर रख दिया प्याज, थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे धनिया पत्ती से, और नया अचार डाला था मैंने आम का, तो दो कली मैंने उसकी भी रख दी हैं। तो बिल्कुल सिंपल सोबर सा लेकिन टेस्टी लंच बॉक्स रेडी है। बताइए फ्रेंड, मैं डेली आपके साथ लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर करती हूँ, आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं? यदि अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आने खोल के देख रही है कि आज क्या रखा है लंच बॉक्स में, और उसको बहुत अच्छा लगा, थोड़ा तो उसने घर में ही टेस्ट कर लिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लंच बॉक्स ब्लॉग में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।